हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो किस तरीके से एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया था और जो डिफरेंट इनके जो जिन ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया, उन ग्रुप के जो फाइला हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो पहला फाइलम है इसमें फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनको फाइलम पोरीफेरा के अंदर रखा। मेंबर्स ऑफ द फाइलम पोरीफेरा आर कॉमनली नोन एज द स्पॉन्जेस, यानी कि इसके अंदर जो मेंबर हैं जो इस ग्रुप के अंदर आने वाले हैं वो कौन से स्पॉन्जेस हैं। मोस्टली मैरिन, मैरिन मतलब होता है पानी के, जो समुद्री पानी होता है उसके अंदर जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कहते हैं मैरिन और मैरिन एनिमल्स। ठीक है, तो ये पानी के अंदर रहने वाले होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। आपको पता है सिमेट्री और एसिमेट्री, ये दोनों हमने आपको समझाई हैं। एसिमेट्री का मतलब होता है कि हम उसे किसी भी प्लेन से काटें और उसके इक्वल हाफ अगर हमें नहीं मिल रहे हैं तो उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। तो इसकी जो बॉडी होती है वो भी कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होती है एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके अंदर सिर्फ सेल होंगी, इसकी बॉडी के अंदर सिर्फ सेल होती हैं और वो सेल भी कैसी होती है, लूजली अरेंज होती हैं और वो मिलकर पूरे के पूरे एक ऑर्गेनिज्म को बना रही हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ कैनाल सिस्टम, यानी कि जो इनकी बॉडी होती है, इनकी जो स्पॉन्जेस की जो बॉडी होती है कुछ इस टाइप से होती है, ऐसे करके यूं करके इनकी बॉडी होती है। ये कॉलोनी में लगे हुए होते हैं ना, काफ़ी सारी कॉलोनी इनकी होती है और इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो इनमें क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम होता है, यानी कि जो एक इनके बीच में जो गुहा बन जाती है, यानी कि जो एक कैविटी इनके बीच में बन जाती है, यहाँ से पानी एंटर करता है, यानी कि जो इनका ऊपर वाला पोर्शन है जिसे हम क्या बोलते हैं ऑस्टिया बोलते हैं, और यहाँ से वाटर क्या हो रहा है बाहर की तरफ जा रहा है, इसे हम कहेंगे ऑस्कुलम। ठीक है, तो एक साइड से जहाँ से वाटर अंदर जा रहा है उसे हम कहेंगे, या तो उसे हम बोलते हैं कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना। इनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है पानी का वो कैनाल सिस्टम के थ्रू हो रहा है। तो इस तरीके से एक साइड से पानी इनके अंदर जा रहा है, दूसरी साइड से बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब जो वाटर है, वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभी हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, कैसा बनाया, ये इस टाइप से इसकी बॉडी होती है पूरी की पूरी, किसकी, स्पॉन्जेस की। तो यहाँ पर एक माइन्यूट पोर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया उसको हम बोलेंगे। और यहाँ से जो वाटर है, यानी कि एक साइड यहाँ से एंटर किया पानी, यहाँ से अंदर आ रहा है इनके अंदर, और यहाँ से इनकी बॉडी के लोअर पोर्शन से ये निकल के जा रहा है, इसे हम कहते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, इसे ऑस्कुलम कहेंगे, यानी कि एक माइन्यूट पोर के थ्रू पानी अंदर गया और उस माइन्यूट पोर को क्या नाम दिया हमने, ऑस्टिया नाम दिया। और ये जो है जहाँ से बाहर की तरफ निकल के जा रहा है उसको हम बोलेंगे ऑस्कुलम। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम इसको हम कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसके अंदर जो इसका न्यूट्रिशन होता है, किसका, यानी कि जो स्पॉन्जेस का जो न्यूट्रिशन होता है उसे, उसका जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय पाथवे ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि जहाँ से वाटर अंदर जा रहा है पानी के साथ ही क्या होता है इसके अंदर न्यूट्रिशन भी, यानी कि पानी से ये न्यूट्रिशन ले लेते हैं, उसी पानी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स होती हैं जो इसकी बॉडी के लिए यूजेबल होती हैं और उसे वो एज अ न्यूट्रिशन यानी कि एज अ पोषण उसको वो यूज़ कर लेता है। साथ ही साथ पानी के अंदर आपको पता है गैसेस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन होगी तो वो क्या होगी, इसके रेस्पायरेशन में हेल्प करेगी, श्वसन में हेल्प करती है, एक्सक्रीशन, इसके साथ साथ ये पानी के ही थ्रू, जब ये पानी ऊपर से अंदर गया तब तो इसने न्यूट्रिशन लिया और क्या किया, इसने रेस्पायरेशन कर लिया, यानी कि पोषण ले लिया और क्या कर लिया, श्वसन इसने कर लिया। इसके अलावा जब ये पानी इसकी बॉडी से बाहर की तरफ निकलेगा, तब ये क्या करेगा, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन करेगा। यहाँ तक तो इसने न्यूट्रिशन लिया और जैसे ही पानी बाहर की तरफ जा रहा है तो जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं जो इसकी बॉडी के लिए यूजेबल नहीं है वो जो चीज़ें हैं वो ऑस्कुलम के थ्रू कहाँ चली जाएंगी, बाहर की तरफ चली जाएंगी। तो एक्सक्रीशन भी इसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से परफॉर्म होगा। कितने फंक्शंस हो रहे हैं, एक तो न्यूट्रिशन हो रहा है, दूसरा रेस्पायरेशन हो रहा है, तीसरा एक्सक्रीशन भी इसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या बोल रहे हैं, कैनाल सिस्टम। ठीक है, कैनाल मतलब क्या होती है, बीच में एक गुहा बन जाती है, कैविटी जो बन रही है उसे हम कहते हैं कैनाल सिस्टम या कैविटी सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट इसमें स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइरिकल्स और स्पंजिन फाइबर्स। जो इसका स्केलेटन होता है, किसका, स्पॉन्जेस का, स्पॉन्जेस का जो स्केलेटन होता है
उसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे कुछ कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स इनके ऊपर निकले रहते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्पाइरेकिल्स बोलते हैं। जो इसके बॉडी के ऊपर जो कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें हम बोलते हैं स्पाइरेकिल्स, या फिर इनको क्या बोल देते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर इनको कहते हैं। और ये क्या बनाते हैं, स्पॉन्जेस के स्केलेटन को बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, स्केलेटन के जो ये हैं स्पॉन्जिया हैं इनके स्केलेटन को बनाने का काम कौन करता है, ये जो कांटे जैसे स्ट्रक्चर इसकी बॉडी के ऊपर निकले हुए हैं ये क्या करेंगे, इसके जो स्पंजोसील है या स्पंजिन है इसकी बॉडी को बनाने का काम करते हैं स्पॉन्जेस, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, वही मेल ऑर्गन्स को बना रहा है और उसी के अंदर फीमेल जो पार्ट है यानी कि एग और ओवा एक ही ऑर्गेनिज्म से अगर बन रहे हैं, एग और स्पर्म एक ही ऑर्गेनिज्म से अगर बन रहे हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत ही सिंपल देखें तो हम और भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म्स देखते हैं, मान लीजिए ह्यूमन बींग है, इसका एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप इजीली इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग में आप देखते होंगे मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, फीमेल से एग बनते हैं और मेल से स्पर्म बनते हैं, यानी कि दो अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या बना रहे हैं, स्पर्म को और एग को बना रहे हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, ऐसे कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, वो मान लो ये वाला एक ऑर्गेनिज्म है, इसी से क्या बन रहे हैं, एग बन रहे हैं और इसी से क्या बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म है। और जिसके अंदर सेक्सेस फ्यूज होती हैं यानी कि मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म से ये एग और स्पर्म प्रोड्यूस इसमें होते हैं और उसको हम बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोलेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसके अंदर हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। आपने टेंथ में पढ़ा होगा फ्रेगमेंटेशन के बारे में, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये कोई बॉडी है और ये जो बॉडी जितने पार्ट्स में ब्रेक हो रही है, जितने इसके पार्ट बन रहे हैं यानी कि ये 1, 2, 3 ये इसके ये तीन पार्ट्स में ही ब्रेक हो गई, और जो जितने भी इसके अंदर फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं उस हर एक फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म अगर बन रहा है तो उसे हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो जो एक से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें गैमिट्स बनते हैं यानी कि गैमिट्स फॉर्म होंगे तब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। गैमिट्स यानी कि एग से क्या बनेगा, ओवा बनेगा, स्पर्म से स्पर्म बनेंगे और ये फ्यूज़ होंगे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गैमिट्स बोलते हैं। तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर गैमिट्स बनेंगे और तब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या बनेंगे, गैमिट्स बनेंगे और तब इनके अंदर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन से क्या मतलब है, बॉडी के अंदर क्या पहुँचे, ये दोनों गैमिट्स पहुँच गए, ठीक है, गैमिट्स पहुँचे और ये बॉडी के इनसाइड इनका डेवलपमेंट हो रहा है, दोनों गैमिट फ्यूज हुए और क्या स्ट्रक्चर बन गया, 2N स्ट्रक्चर बन गया। और ये बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, इनके अंदर आगे जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो रहा है, फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के अंदर हो रहा है, तो ऐसे को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग में या इनके अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर किसी जो ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है वो जो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के अंदर बनता है, ना कि बाहर उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से क्या मतलब है, जैसे हम और काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म्स पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनके अंदर क्या होगा कि डायरेक्टली, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, स्पर्म दोनों की जो गैमिट्स हैं वो फ्यूज हुए, 2N स्ट्रक्चर हुआ और जायगोट बनने के तुरंत बाद क्या बन गया, जो एनिमल है वो फॉर्म हो गया। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर ये ऐसे ना होकर यानी कि जायगोट बना, जायगोट के बाद क्या हुआ कि इसके अंदर जो मेरुला स्टेज है वो आई, और जायगोट के बाद मेरुला स्टेज आई, मेरुला के बाद क्या बना, एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो के बाद क्या हो गया, एक ऑर्गेनिज्म बना, यानी कि कितनी सारी स्टेजेस से होकर इसको निकल के जाना पड़ रहा है, पहले जायगोट बना, फिर मेरुला बना,
फिर एम्ब्रियो बना, फिर एम्ब्रियो के बाद ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि जायगोट बना और तुरंत उससे एनिमल बन जाए, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में काफ़ी सारी स्टेजेस आती हैं, जैसे कि जायगोट है, क्योंकि जब दो गैमेट आपस में फ्यूज़ होंगे तो जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद मेरुला स्टेज आएगी क्योंकि जायगोट के अंदर डिवीज़न होगा और मेरुला स्टेज फॉर्म हो जाएगी। मेरुला के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, तब जाकर कहीं इसमें ऑर्गेनिज्म बन रहा है। और इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि साइकन और स्पॉन्जिला में इसको जो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, साइकन और स्पॉन्जिला इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप ये आप वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। और अगर ये आपको समझ में आया, यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।